ये दोनों अम्ब्रेला क्रिस्टेड को काट हुए और ये दोनों आते हैं सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से। सो हे गाइस, दिस इज दुर्गेश यादव, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज आए हैं कहाँ पे? एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क। तो आज आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है और काफ़ी तरह के बर्ड्स आपको दिखने मिलने वाला है। तो प्लीज़ 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 कहीं जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा। और भाई आज मैं अकेले आया हूँ, दिल में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कोई बात नहीं, बट मैं बहुत जान को बोला भाई कौन चल रहा है, बट कोई जाने के लिए रेडी नहीं होता। मैं बोला चलो भाई, उसमें क्या है, वैसे भी अभी मैं जॉब ज्वाइन करने वाला हूँ तो जितना टाइम है उतना ज़्यादा आपको मैं वीडियो बनाऊँ और उतना ज़्यादा मैं आपको दिखाऊँ, तो आप सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा वेस्ट एंड वेस्ट से आपको पकड़ना है ऑटो, एंड ऑटो का पर पर्सन शेयरिंग प्राइस ओनली 20 रुपीज़ है। एंड उसके बाद पहुँचने बाद आपको टिकट लेनी पड़ेगी फेरी का, जो रिटर्न टिकट 100 रुपीज़ की है। के सामने ये एसएल वर्ल्ड के अंदर हम अंदर जाएंगे, ये वाटर किंगडम भी सेम गेट है और इसके अंदर अभी जाएंगे और टिकट लेंगे। तो चलिए अभी टिकट लेते हैं फिर अंदर जाएंगे एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क। तो अभी हम टॉय ट्रेन के अंदर बैठ के जाने वाले हैं क्योंकि आजकल हम फेरी और टॉय ट्रेन में ही बैठने मिल रहे हैं मोस्टली। तो चलिए अभी यहाँ पे टॉय ट्रेन बोले तो है राइड में जाने के लिए। तो इसके अंदर ही वाटर किंगडम है एंड एसएल वर्ल्ड है, एंड एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क इसी के अंदर सब पड़ता है। तो टॉय ट्रेन अभी कैंसिल हो गया एंड हम बस से जाएंगे अभी। सो गाइस, अभी हम लोग बर्ड पार्क के इधर आ गए और टिकट भी ले लिया देखो। तो अभी चलो अंदर चलते हैं। तो देखिए गाइस, अभी हम अंदर आ गए और देख सकते हैं ट्रीज वगैरह एंड पूल टाइप बनाया गया, ये देखिए। और हमें गाइड भी मिलेगा, तो अभी वो कुछ टाइम बताएं एग्जैक्ट टाइम, तो उस टाइम हमें गाइड करेंगे एंड ऑल्सो सभी बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स भी दिया जाएगा। वो कुछ टाइम 4 o'clock के टाइम है, तो देखो। तो ये देखिए, जो सामने ब्यूटीफुल जो बर्ड दिख रहा है ये चाइनीज़ बर्ड है और इसको हम बोलते हैं गोल्डन फीजेंट। तो ये स्पेसीज जो है अपने ज़्यादातर चाइना में देखने मिलता है। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो गाइज़, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 400 एग्जॉटिक बर्ड्स आपको दिखने मिलेंगे और इतने टाइप्स के है भाई, मुझे नाम नहीं पता है। एंड इफ मिस्टेक होता है ना तो ट्रोल मत करना। तो ये है 100 रुपीज़ टिकट प्राइस फॉर बर्ड फीडिंग। तो आप अंदर जाके 2 से 3 मिनट तक आप बर्ड को फीड कर सकते हो। तो ये देखिए मैं कर रहा हूँ, इसका टिकट प्राइस है ओनली 100 रुपीज़। तो ये देखिए सामने, ये है अम्ब्रेला कोकाटू और ये मोस्टली आपको रेगिस्तान में पाया जाएगा। गाइस मच्छर बहुत काट रहे हैं यहाँ पे यार, सब हाथ मेरे फूल गए इधर उधर। एंड इनको देखो, ओ ब्रो। तो गाइस पूरा तो मैं घूम लिया हूँ, बट मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि बोले थे 4 o'clock को, मतलब 4 बजे शाम के टाइम,
वो हमें बताएंगे सभी बर्ड्स के बारे में डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता चलेगा। मैं वो वीडियो में मतलब उसका मैं वीडियो लेना चाहता हूँ, इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं निकल गया रहता अब तक, क्योंकि पूरा घूम लिया हूँ, ऑलमोस्ट 3 या 4 टाइम्स रोटेट कर रहा हूँ कंटिन्यू एक ही जगह पे। इसलिए फ्लैश दो रीजन, तो स्पीड उठने का है और दूसरा उसका खाने का स्पीड। इतना गॉबल कर देना जैसा उसका अगले उसका खाना नहीं मिलने वाला देखने का चांस, ऐसा देखते हैं खाना खाने के बाद। लेकिन अभी फ्लैश जो है इसका ये है गाला कॉकटू। ओके, गाला कॉकटू आते हैं न्यू गिनी आइलैंड से, विच इज अ स्मॉल आइलैंड अफ्रीका के बाहर। ओके, बिकॉज उनका वेजिटेशन का कलर अलग है और ये कॉकटू का भी स्पीशीज बहुत रेयर और कलरफुल ही रहता है। ओके, अभी इसके अलावा जितना भी आप लोग ने अपने पास यहाँ पे बर्ड्स देखे, आई होप आप लोग ने कुछ सीखा है, कुछ अवेयरनेस आपके पास आया हुआ है, और ये अवेयरनेस आगे जाके आप अपने फ्रेंड्स और पड़ोसी लोग और फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कीजिए। बिकॉज जो बर्ड्स अभी वाइल्ड में है दे आर गोइंग एक्सटिंक्ट बिकॉज अपना ह्यूमन ग्रीड के वजह से, राइट? और आगे के बच्चे लोग अभी फिलहाल आप लोग इस बार लकी हो आके देखने के लिए, आगे चल के आपको सिर्फ टेलीविजन पे ही देखना पड़ेगा। कोई टेंशन नहीं लेगा, बिंदास रख लो, ठीक है? हाँ, मोमेंट लोन लो। ओह माय गॉड, बर्ड को पता है कि एग्जैक्टली प्रेशर पॉइंट कहाँ पे रखने का। ओके, वेदर इट बी अ स्मॉलेस्ट पीस ऑफ नट फ्रॉम माय फर्स्ट माउथ और माय हैंड, राइट? द रीजन ये ऐसा कर सकती है क्योंकि ये बर्ड अपने को ट्रस्ट करती है। देखो मतलब ये यहाँ पे मेरे सिर्फ, ठीक है? कोई और आता था उनके पास बाय मिस्टेक, इफ सर हाथ लगाने जाते थे भी लाइक आफ्टर वर्ड लाइक आउट ऑफ लव और थैंक्स, उनके यहाँ पे पहले टच होते। इट्स नेम इज रियो, छोटे ना रियो। ये दोनों आते हैं सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से। आप इनका कलर देख रहे हो, आप कैसा लग रहा है कलर? कलरफुल है, डार्क ब्राइट। ये वेरी गुड, क्योंकि वो पैरेट है। बट इनका जो नेचर है और इनका जो फीडिंग है वो हेल्दी है, और वहाँ का जो नेचर है सेंट्रल साउथ अमेरिका का नेचर है वो इन्हीं की तरह कलरफुल है, ब्राइट कलर में। तो ये वहाँ पे उनको छुपने के लिए मदद करते हैं, क्यों? दूसरे डेंजर एनिमल्स। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर आप ही के सामने आप ही की तरह एक कार्बन कॉपी खड़ा कर दिया जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो हम ऑस्ट्रिच पे देना कंफर्म करें मैं आइंस्टाइन हूँ। ये दोनों अम्ब्रेला क्रिस्टेड को काटू है, और ये हमारे पाक का एस्टर और बट पाक का सबसे क्यूट कपल है। हेलो, तो जो कोकाटू है ये आते कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से बट डेजर्ट एरिया से, रेगिस्तान से। आप सबको पता है जो सन रहता है उसका ब्लैक के साथ क्या रिएक्शन होता है, ब्लैक कलर के साथ क्या रिएक्शन होता है सन का? ऑब्जर्व करते हैं। ओके, एंड व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो नेचर से इनको कलर इसीलिए मिला है क्योंकि ये डेजर्ट बर्ड है, रेगिस्तान के बर्ड है, तो इनको छुपने के लिए ट्रीज तो मिलते नहीं रहेंगे, तो सन से इनको प्रॉब्लम हो सकता था। तो नेचर ने इसलिए व्हाइट कलर दिया है ताकि ये सन को रिफ्लेक्ट कर सके, सन में मतलब धूप में भी ये रह सकते, इसलिए ये डेजर्टिक बर्ड है। और इनकी लाइफ कैपेसिटी नेचर में अराउंड 50-60 ईयर तक स्टे कर सकते हैं, ये इनकी लाइफ कैपेसिटी होती है। आप पीछे देख सकते हो, आपके पीछे जो डुकप्स को कटू है और ये अम्ब्रेला क्रिस्टेड को कटू है, ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? साइज के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट आप वहाँ पे एक टाइटन को कटू है बड़ा वाला, उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए उनके क्रश फेदर, सर इज राइट, डिफरेंट टाइप के क्रश फेदर होते हैं इनके अम्ब्रेला की तरह, इसलिए इनको अम्ब्रेला क्रिस्टेड को कटू बोलते हैं। और आपको पता है आपने सलाम में जो बड़े बड़े झाड़ देखे हैं आपके आसपास जहाँ पे आप रहते हो, आप बड़े बड़े झाड़ देखे रहेंगे, तो झाड़ किससे लगा है? बर्ड ने लगाया है। पर जो घूमे आपने इसे हम इंडिया का पहला इंटरेक्टिव बर्ड पार्क बोलते हैं। इंटरेक्टिव क्यों बोलते हैं, इसका रीजन है, आप कभी भी जंगल में गए घूमने के लिए? जंगल में बड़े लोग गए रहेंगे, तो हम प्रॉपर जंगल बोल सके इसके लिए हमको क्या क्या चीजें मिलेंगी? प्रॉपर जंगल सो गाइस अभी हम बाहर आ गए हैं और
मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आई मीन बहुत ही अच्छा। इफ़ आपको आना है तो आप आ सकते हो और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे बर्ड्स आपको देखने मिलेगा जो आप देखे नहीं रहोगे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, तो ये काफ़ी बेटर रहेगा इफ़ आप आओगे तो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इफ़ वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।